उत्तराखंड एसटीएफ ने दो लेपर्ड की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी ब्रिजमोहन उत्तरकाशी का निवासी है। उसके कब्जे से दो लेपर्ड की खाल मिली है जिसकी लंबाई 6 फुट और 8 फीट है। आपको बता दें कि वन्य जीवों के अंगों की अवैध तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला थाना क्षेत्र से इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि उत्तराखंड एसटीएफ को डब्ल्यूसीसीबी दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के अंगों और खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक वन्य जीव तस्कर को एसटीएफ की टीम के द्वारा दो लेपर्ड की खालों के साथ कल गिरफ्तार किया गया है और ये थाना पुरोला क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्त उत्तरकाशी का ही रहने वाले गंगोर गांव का है, ब्रिजमोहन पुत्र जनक सिंह, और इसके द्वारा बताया गया था कि ये इनको बेचना चाह रहा था। ये जो इनपुट था ये डब्ल्यूसीसीबी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था इसी को हमारे द्वारा डेवलप किया गया था एसटीएफ की टीम द्वारा। और कल देर रात ये अभियुक्त जो वन्यजीव तस्कर है ब्रिजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह, इसको लेपर्ड की दो खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। एक खाल की जो लंबाई है 6 फीट है और दूसरी खाल की 8 फीट है। तो वन्यजीव अधिनियम के तहत थाना पुरोला में जो है अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी गिरफ्तारी की गई।